देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? क्या बात है, आज तो कमाल ही कोई रंग निकाला आप। वैसे भाई आज ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, मगर आज तैयारियां बहुत हैं। आज आप भी बहुत तैयार होकर आई हुई हैं। हमारे गेस्ट भी तो बहुत स्पेशल है आज। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने तो सुना चांद पे जा रही है सब। चांद पे कहाँ जा रही है? चांद पे जा रही है कल चिंची तो बह के लोगों ने कह रही दुआ करें मैं चांद पे जा रही हूँ। मैं रीज नू मैं कह तू चांद क्यों जाना चाहती? कहते उत्ते जाके वेखना चाहती है बारिश वाला फुहारा लगा कि मेरा वाकई सवाल है भी। हाँ, नहीं है बड़ी समझदार सर, मैं हैरान हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा अरे तुम हर बार नई फिल्म देखती हो क्यों? कहती वो हाफ टाइम में पॉपकॉर्न फ्री मिलते हैं ना। लेकिन अरीज ते मासूम है या वासे भाई बड़े मासूम हैं। अच्छा जी, मैंने कहा यार मैं अपने छोटे भरा दी फिल्म ना सारी तमिल च बनानी है। तमिल मूवीज आपको पता है ज्यादा फेमस है आजकल। आपने कहा भाई के लिए फिल्म, मैं भी आपके लिए फिल्म बनाना चाहूंगा। आपने देखी होगी साउथ की फिल्म बहुत मशहूर है पुष्पा। हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो तो साउथ वालों ने बनाई थी, मैं यहाँ पे बनाऊंगा तुम्हें लेकर ठुसपा। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के मेहमानों को। पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो रही है नायाब और उसकी कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ है। इस फिल्म में लीड करते हुए नजर आएंगे एक ऐसे साहब जिन्होंने अकाउंटिंग के बाद एक्टिंग का आगाज किया, अपनी पहली फिल्म करने जा रहे हैं जनाब उसामा खान। और हमारी दूसरी मेहमान नायाब फिल्म के अंदर लीड कैरेक्टर कर रही है, आजकल आप सबकी बहुत फेवरेट है, कमाल अदाकारा यमुना जैदी। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज मैंने बड़ी कोशिश की कि मेहमानों के ऊपर मैं एक अच्छा सा शेर लिखूं, लेकिन यमुना जी के ऊपर मैं लिख नहीं सकता था क्योंकि मैंने तो इसको इतना सा देखा हुआ। इतना सा? तो मेरी बेटियों की तरह हमने एक सीरियल की जी काशिफ निसार साहब की, और इसमें एक छोटी सी बच्ची का इन्होंने रोल किया और एक एक्ट ऐसा था जिसके ऊपर इनकी बात ख़त्म हो गई और सारे की सारी जो टेक्नोलॉजी की टीम थी वो कट क्या नहीं भूल गई सर। वाह, अच्छा। सब रो रहे थे सर, सब के सब रो रहे थे। So, मैं अपनी बेटी के ऊपर तो शेर लिख नहीं सकता था। सामा भाई से तो मैं नाराज हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहे हैं और फिल्म का फेस है और फिल्म क्यों इतनी लेट की? ओए हो, तो अब उन्होंने कर दी है तो अब तो कम से कम 18 फिल्में इनकी सुपरहिट हो जानी चाहिए। ओए हो, सो मैंने शेर अरीज पे लिख दिया। अरीज पे ही लिख दिया, या अल्लाह। जी सर। छोटी सी बेरुखी पे शिकायत की बात है, और वो भी इसलिए कि मोहब्बत की बात है। मैंने कहा कि मिलके भी हम क्यों ना मिल सके, कहने लगी हुजूर ये किस्मत की बात। हा 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 हा, हंस के नहीं रो रो के गम सहते हैं। आए हाय, मेरे आंसू बारिश की तरह बहते हैं। तब बहुत दुख होता है मुझे कैसर, जब उस बेवफा के बच्चे मुझे मामू कहते हैं। सामा आपने बहुत एंजॉय किया ये शेर? नहीं। मुझे लगा कि आप बहुत महसूस हो इस शेर से और एकदम ताली बजा देनी चाहिए। कुछ पुरानी यादें आपके जहन में आई, जैसे ऐसी कोई यादें नहीं थी। ऐसी कोई यादें नहीं थी, मगर क्या हाल चाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है यमुना, काफी अरसा हो चुका हुआ है और काफी कुछ बदल गया उसके अंदर। बिल्कुल है ना, मैं अभी बैक स्टेज याद करी थी कि जो मैं आपके शो में लास्ट टाइम जब मैं आई, आपने मुझसे फिल्म का सवाल किया था अगर आपको याद हो तो, और मैंने कहा था कि मैं एक फिल्म ऐसी करना चाहती हूँ जिसपे मेरी कंट्री और मेरी फैमिली प्राउड फील करे। सो आई थिंक नायाब वुड टर्न आउट टू बी लाइक दैट। इंशाल्लाह नायाब ही होगी फिल्म, इंशाल्लाह। तो हमें बताएं तो सही है, नायाब है क्या? नायाब कहानी है फैमिली की, रिलेशनशिप्स की, लड़की की, उसके ख्वाबों की, उसके गोल्स की, उसके साथी की, उसके साथ कनेक्टेड लोगों की। सो कुछ ये सब कुछ मिला जुला के ही नायाब बनाई। तो उसमें उसामा भाई ने इतने गोल किए हैं, ये तो क्या बना? तुमने अभी रिवील करना है कि तुम उसमें क्या बने? हाँ, बता दे। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, क्या हो गया, तो सब कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, जो इंटरव्यू हो रहा है, मैं कह रही हूँ सामा कुछ रुक जाओ, लोगों ने सिनेमा में फिल्म देखने के लिए आ रहा है। टिकटां भी अपनी बढ़ाइयां, क्या बेचांगा मैं? वैसे इतने इंटरव्यूज आप लोगों के चल रहे हैं, इतनी एक्टिविटी चल रही है, एक ही सवाल का बार बार जवाब देके कैसा लगता है?
बहुत बुरा, थक गए। अब तो याद हो गया, अब तो सोचें जवाब चेंज करें। कोई डिफरेंट सवाल नहीं कर रहे। आप कीजिएगा ना सर, आपने क्या सोच के चूज की फिल्म? के पैसे मिलेंगे। एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है, जिस तरह इन्होंने बताया एक लड़की की कहानी है, पूरी उसकी जर्नी है। तो हमारी आसपास में सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियां जिनके बहुत ख्वाब होते हैं, जो देखना चाहते हैं। हमें तो तब नजर आती है वो लड़कियां जब वो कुछ अचीव कर लेती हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। लेकिन कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं, वो सोचती नहीं है। तो उनको कोई सपोर्ट करता है, कोई पिलर होता है उनकी फैमिली में, कोई एक भाई अच्छा, बहुत अच्छा भाई है, एक अच्छा पार्टनर है। तो एक फैमिली किस तरह से एक लड़की को सपोर्ट करती है उसकी गोल अचीव करने में, ये उसकी कहानी है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। कहानी बहुत अच्छी लगी थी आपको, और डिफरेंस क्या लगा फिल्म और टेलीविजन दोनों में आपको मेनली? मेरे ख्याल फोकस्ड होते हैं जरा, हम ज्यादा फोकस होते हैं। 2.5 घंटे में और 30 एपिसोड में कहानी जो दिखानी होती है उसमें जरा आपके पास मार्जिन कम होता है, तेज होती है जरा स्टोरी। तो वैसे मुझे एक बात बताएं, आप लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो गुजरांवाला गए अभी तक या नहीं? नहीं, बट हम लोगों को जाना है गुजरांवाला। जाना है तो आपको पता है ना गुजरांवाला इनका होम टाउन है। जी, हर बात पे ये गुजरांवाला का जिक्र करते हैं। मैं कहती हूँ कितनी अच्छी बात है कि कितने कनेक्टेड हैं, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ इट, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू गुजरांवाला टू प्रमोट। ये तो अब मार्शल एक्टर बन गए, पहले गुजरांवाले चिड़े भेज दे सन। सर देसी क्यों के चिड़े आपने खाए नहीं ना? पहलवान भी है ना? पहलवान भी है। मगर मुझे बताएं कि आप गुजरांवाला के लिए कोई खास तैयारी किया? आपने जुमला को लेके जा रहे हैं, अपने फैमिली कजन्स वगैरह को बता दिया आपने? सबको बता दिया, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। तो यमुना, आर यू रेडी? वैसे आप खाने की शौकीन है? हूँ। और क्या ज्यादा पसंद है खाने में? हर तरह का खाना। तो आपने कोई इंतजाम करवाया भाई इसका? सारे इंतजाम है, देख लें। सारे इंतजाम है। हाँ, साथ आपको पैक करवा के भी हम भेजेंगे वापस। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब से कराची गया हूँ मुझे एहसास हुआ कराची का खाना जरा ज्यादा बेहतर है। चलो अभी से ऑफ करा दिया। ये देखे जरा, ये गुजरांवाले सारे देख लें कि ये क्या कर रहा है लड़का आने से पहले। लेकिन चिड़े गुजरांवाला के मशहूर है और अच्छे भी होते हैं, तो हम तो चिड़े भी खाएं। गुजरांवाला तो आप भी हैं। हाँ, आपकी कभी मुलाकात हुई सामा से गुजरांवाला में? नहीं, बट मैं उनको तब से देख रही हूँ जब से मैं गुजरांवाला में रहती थी। और अब ये कितने सदी पहले ये की बात है? कुछ 4-5 साल से मैंने ड्रामास देखे। 4-5 साल पहले आप दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन आपको पहली दफा? मैं गुजरांवाला से निकल गया था 2009 में। मैं भी गुजरांवाला में रहती थी, मेरा होम टाउन है। मेरे ख्याल यमुना ने भी बहुत शहर चेंज किए हैं, आपने भी? हाँ हाँ, मैं भी बहुत ट्रैवल। तो मैं एक दफा कहीं कोई मुझसे पूछा था आप कहाँ से हैं, तो मूवी दौरान ही हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं गुजरांवाला से था, फिर मैं लाहौर भी हूँ, फिर अब मैं कराची आ गया हूँ। तो यमुना ने मुझे कहा मैं समझ सकती हूँ। आपने भी बहुत ट्रैवल किया इस तरह? हाँ, बस बहुत जगहें बदली, डिफरेंट डिफरेंट अपने। फेवरेट जगह कौन सी? कराची। कराची ऑल टाइम फेवरेट। आप भी बदल गई? क्या बात है जी, क्या आप भी बदल गई? मैंने कब कहा? क्या लाहौर नहीं अच्छा लगा? मैंने खाने का अब ये का उन्होंने कहा था नहीं, मगर सामान्य दिल में बात रख ली है। हाँ, वो उनको देखे नहीं, मगर अब ये कहता रहेगा थ्रू आउट द शो। लेकिन यमुना जी, मैंने परिजात में आपको देखा है, अगर परिजात आपकी मदद ना ना करता, मैं अपना मोटरसाइकिल बेच के ऑपरेशन करा दूं। अगर आप वो परिजात की वजह से ठीक ना होती तो आप मुझे कैसे देख सकती थी? बिल्कुल, क्योंकि ये जवानी कहीं कहीं मिलती है, आपको पता ही है। इसलिए मैं इस बात पे एक सवाल लेता हूँ। जी मैम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताइम है। यमुना मैम से मेरा क्वेश्चन है, क्या आपसे वह हाजी अली का नंबर मिल सकता है? ताइमा, अगर वहाज का नंबर मैंने दे दिया इस तरह शो में बैठ के, तो फिर तेरे बिन टू नहीं हो सकेगा। अगर ये इस किस्म की आपको आती है रिक्वेस्ट सब? बहुत भाई, बहुत क्रेज है वहाज का आफ्टर तेरे बिन, और वैसे भी उनके प्रीवियस सारे कामों की वजह से। सो खवातीन में खासे मकबूल हैं। खवातीन में खासे मकबूल हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने पिछले दिनों काफी गिला शिकवा किया कहीं पे के तमाम जो रिश्ते हैं वो अम्मी को आते हैं, मुझे नहीं। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ओ गॉड, आपको पता है वासे, मैं सोच रही थी कि भाई खामोश बैठना चाहिए, बंदा बोलता कुछ है और वो सुर्खी कुछ और लगा के, और वो और लोग मुझे भेज रहे हैं कि ये, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ट्रेंड चेंज हुआ उसके बाद या नहीं हुआ? नहीं, ट्रेंड तो वही है, वही है अभी तक, which is the right way to go about it. हाँ, मतलब तो अच्छा, मैं साथ बैठा हुआ था, मुझे भी नहीं पता चला वो बात कब हुई। सामा, मेरे तो बारे में ऐसी ऐसी मैंने सुर्खियां पढ़ ली और मैं तो शर्मिंदा ही हो गई। मैंने कहा मैं साथ बैठा था, मैंने क्यों नहीं सुना? मगर नहीं, इस तरह नहीं होता, अम्मी से डायरेक्ट बात होती है, वो होती है, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है बिल्कुल। वो आपके यहाँ भी ऐसा होता है या आपको डायरेक्ट ही लोग अप्रोच करते हैं? मैं अप्रोच ही नहीं करते। ये अब आप उसामा, आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं अपनी? नहीं नहीं सर, जेड़े लोग होंगे ना पढ़े लिखे यमुना जी, मसल की डर के बंदा कहेगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। तो उसामा भी गुजर वाले दिन है, इन्होंने कुड़ियां प्रपोज भी इंज कर दिया छाते खोलोगे, उसामा आई लव यू।
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनके भी घर वाले देख रहे हैं, ऐसे तुम ना खराब करो बीच में। नहीं, नहीं, मुझे पता है। बिल्कुल है भी, अगली बार लड़का छत भी ना जा सके। ओके अबू, मैं जरा एक मिनट ऊपर एंटीना ठीक करके आया। तो वो अंकल कहे नहीं खबरदार तुम ऊपर गए। मगर नहीं, वैसे आपको तो डायरेक्ट ही काफी लोग अप्रोच करते हैं, घर वालों को ही आते हैं, मुझे तो डायरेक्ट नहीं। अच्छा, आपके भी घर वालों को ही आते हैं। ओके ठीक है, आई लाइक द वे दिस इज गोइंग। जी यमुना, तेरे बिन इतना सक्सेसफुल हुआ है, आपका तेरे बिन पार्ट 2 आ रहा है, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। कितना प्रेशर फील होता है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो तेरे बिन 2 के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तेरे बिन 2 तो जब आएगा, अभी तो नायाब का बहुत थोड़ा सा वो है प्रेशर, अभी है सिनेमा का प्रेशर है, अभी सिनेमा का ज्यादा है, क्योंकि ड्रामास में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आवाम को देखने के लिए दे दिए। तो अगर अव्वल तो अल्लाह ताला अच्छा करे कि हमारा तेरे बिन 2 अच्छा जाए, लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ा सा डगमगा भी जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो वी शुड बी नहीं कर रही थी। हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है जो आप दोनों को लास्ट टाइम मिला था, आप दोनों उसके मुकाबले में बहुत अब चेंज हो चुके हैं। सिखा दिया जिंदगी ने, सिखा दिया। जब आप पहले आई थी तो बच्ची बच्ची थी, ये अंकल थे, अब आप लड़की लग रही है, ये दादा टाइप हो गए। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीज, यमुना जर्नली आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या ये सिर्फ कैरेक्टर की डिमांड थी? कैरेक्टर की डिमांड थी, और बस मैंने क्रिकेट सीखी, और मुझे पसंद भी नहीं थी, मैं देखती नहीं थी इतना क्रिकेट, लेकिन मैंने इसके लिए सीखी, और मुझे अब मैं क्रेव करती हूँ कि मेरे साथ कुछ सेट ऑफ पीपल हो जिनके साथ मैं खेल सकूँ क्रिकेट। सर बंद करो प्रोग्राम और शुरू करिए। आप हैं स्पोर्टी या नहीं? हाँ मैं खेलता था पहले। क्या क्रिकेट? क्रिकेट। अच्छा, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं खेला जाता क्योंकि टाइम उस तरह से नहीं मिलता। पहले मैं गुजरांवाला की तरफ से खेलता था। गुजरांवाला की तरफ से अंडर 16 में खेलता था। अरे जबरदस्त, हार्ड बॉल था, लेकिन उस टाइम पे पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, फिर टाइम ही नहीं मिलता था उसके बाद। ओके, लेकिन जब ये प्रैक्टिस कर रही होती थी तो मैं इनसे पूछता था कि यार आपने सीख लिया बॉलिंग करना, और इनके इन्होंने लेफ्ट से बॉलिंग और राइट से बैटिंग। अच्छा, ये भी टैलेंट है। जबरदस्त। और ये क्या नेचुरली था या पार्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द रोल? नो, ऑफ कोर्स नॉट, मैं लेफ्टी हूं तो बॉलिंग तो मैंने नेचुरली लेफ्ट से कराई, लेकिन बैटिंग पे सही हाथ मेरा राइट से पड़ा। ओह, तो क्या बैटिंग करती हैं? अच्छा जी, हमने एक दो दफा खेले मैच। ओह क्या बात है, सामा थैंक यू। वाह यमुना, वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये आप पहले जब सिन्फ आहन वो कर रही थी तो आप बंदूकें असल में चलाना शुरू हो गई थी, और अब आप ये क्रिकेट वाला कुछ बेस कर रही हैं तो आप ये करना शुरू। बस मुझे एक्टिंग का बहुत क्रेज है, बड़ा पैशन है, एक्टिंग इज द फाइनल पैशन ऑफ माय लाइफ। ओए होए, और पहला कौन सा था? फर्स्ट भी वो था, इसलिए तो आगाज किया एक्टिंग का। फर्स्ट एंड फाइनल पैशन यही है, अभी तक तो ये है, अभी तक तो ये है। उसके बाद कोई उम्मीद है कोई और? डेफिनेटली कोई और चीज का है आपको शौक? हाँ, वो क्या? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो होटल्स में वो नहीं करते हैं, रूम सेट करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसे? होटल्स में रूम सेट करते हैं। हाँ, जो बेड सेट करते हैं, बेड और वो सब। ठीक है, जो होटल का स्टाफ होता है वो सेट करता है। हाँ, मुझे उसका बहुत शौक है। यू वांट टू सेट अप रूम्स, बेसिकली जो उनका रूम मेकअप करना है आपने। क्लीनिंग पसंद है। हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग, वाह इतना महंगा आपने आपके काम है। Housekeeping. इसके बाद हम दोनों को तो होटल्स में रहना बंद कर देना चाहिए। हमें ये वर्ड नहीं आ रहा था। मगर housekeeping staff जो है, आपको उसका शौक है? हाँ, या अगर कोई मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले housekeeping का। कैरेक्टर मिलना एक और सेपरेट चीज है, मगर खुद से शौक होना एक सेपरेट चीज है। बिल्कुल, मतलब आप अपने घर में, मुझे है शौक, आप जाके रूम्स कर सकती हैं, बट यू वांट टू डू इट ऑन सच अ लार्ज एक्सटेंट। पिछले 11 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में आ गए, लेकिन अगर कुछ हालात जिंदगी के मुख्तलिफ होते तो ये भी एक शोभा था जो मैं शौक से करती। अच्छा जी, वाह वाह। अच्छा, ये हाउसकीपिंग है या इंटीरियर डेकोरेशन? नहीं नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं है मेरा। बहुत है कि अगर कभी जिंदगी में बिजनेस करूं तो फूड बिजनेस करूं, लाइक मेरा रेस्टोरेंट हो जिसमें मैं खुद लोगों को कुक करके शेफ भी बनना चाहती हूं। जी, खाना अच्छा बनाती हूं। अच्छा, खाना भी अच्छा बनाती हैं? और ये कैसे पता चलेगा? जायका है, होम इकोनॉमिक्स से पढ़ा है,
वो बहुत से लोगों ने पढ़ा था, बट दैट इज नो गारंटी। लेकिन मेरे हाथ अच्छा खाना बनता है, हाय लव, पता नहीं क्या क्या सुर्खियां बन जाएंगी। सुर्खियों से बहुत परेशान हूँ। नहीं, नहीं, सुर्खियों से परेशान ना हुआ करें, वो भी तो उनका भी तो काम है, वो बेचारे क्या बनाए। उन्होंने भी तो कहा। हाँ, मगर अभी उधर बनाती क्या अच्छा है। सिंपल देसी सिंपल खाना भी, जैसे दाल रोटी पराठे पुलाव। आपने कभी खाई है? खाई इनके हाथ से? मंदी नहीं, नहीं वो तो भाई देखिए क्रिकेट पे फोकस था। नहीं वो तो फोकस था, मगर उसके बाद बेचारे खत्म हो गए, वो आपके साथ लूर लूर फिर रहे पूरा पूरा। तो कोई आप कहीं पे कुकिंग करेंगी तब ये देखिए ऑथेंटिकेट होगी बात, वरना आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा। वरना मैं कह दूं मैं सुशी बहुत अच्छी बनाता हूँ, अब आपको क्या पता है ना? किसी को कुछ नहीं। हाँ, तो ये अब देखिए मैं कहता हूँ मैं भिंडी बहुत अच्छी बनाता हूँ, किसी को क्या पता, लेकिन मैं बनाता हूँ। एग्जैक्टली क्या बात है, मैं उल्लू बहुत बनाता हूँ जी, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये यकीन है। माफी कला, माफी कल ये हबीबी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। ये चौधरी कैसे हाल? I am fine, ये इतना खुश क्यों है? आज तो बहुत खुश है, नाश्ता भी 6 बंदों का किया है। बस वो तो करते तो 3 बंदों। भाई या चौधरी या जी तो इला पाकिस्तान फी इंतजार हाजल यौम अल मुबारक। कहते जी पाकिस्तान में आने का जो मेरा मकसद था, हाँ? इतने दिनों से, वो दिन आज आ ही गया है। हैं? वाह क्या आरफ तू यमुना जाति मौजूद अल प्रोग्राम ही ना दानिया तकलीम। हाँ कुछ आधा समझ आया मुझे। मैंने नहीं तर्जमा करना, कल ही हबीब मैं तर्जमा करने के पैसे लेता हूँ, जूते खाने के नहीं। क्या कह रहा है? कह रहा है वो यमुना जैदी साहिबा आई हैं, हाँ? उनसे ना मैंने ड्रामे की बात करनी। ड्रामे की बात? आई वा सो ड्रामा वा सयतिम अल तस्वीर अल ड्रामा फी स्पेन यूनान मिस्र कतर दुबई जाय मिन अमेरिका। सर उन्होंने कहा है कि मैं एक ड्रामा बनाना चाहता हूँ यमुना जैदी साहिबा को हीरोइन लेके, अच्छा, जिसकी शूट होगी यमन में, स्पेन में, दुबई में, मस्कत में, ओमान और कतर में सर। और उद्देश्य है अमेरिका, और अमेरिका भी थोड़ी सी कह रहे शूट करें। मालूम انا سوى خدمات كله कहने जी सब खिदमत जो भी होंगे पैसे वैसे जो भी होगा सारी पैसे मेरे लगेंगे। سيكونوا حاضرا في خدمه الطياره الخاص कहने जी स्पेशल तैयारे दे उते मैं लेके जाऊंगा शूट करके फिर वापस। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो आई हुई है, उनसे खुद पूछ लीजिए। हां जी I have told you so many times not to laugh like that when you talk to someone. कई बारी सोते पे हंस देना तो मैं समझना जलजला है। दगी क्या करना थोड़ी देर ठहर। उधर कर। इनका नाम है चल नाम नाम। तू कहाँ से पैसे लेना? इनका नाम है वजन बिन जर्रा। मेरा नाम है जर्रा। मेरा नाम है अजफर बिन वड़ैच। ओके। मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। आज मैं 3 साल हो गए तर्जमा करता हूँ साथ इनके, तो बस उसके पैसे लेता हूँ। बस छोटी जी शर्त है पैसे जिन्ने भी खर्च होंगे जो भी होएगा सारे मेरे होंगे, अगर सारा का सारा नुकसान हो गया तो भी तेरे ही है। भी मुश्किल है, नुकसान भी तो होता है ना उसमें, भाई 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 नहीं चल रहा होता उसको ड्रामा। पैसे से क्या मतलब, नुकसान हो या फायदा हो उन लोगों को तो पैसा ही पैसा। हाँ हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। नहीं मैं कह रही थी कि आप कोई और कैरेक्टर पसंद कर लें। वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर कोई और पसंद, कोई भी कैरेक्टर पसंद कर लें। वैसे आप तो दुबई में रहे भी हुए हैं कुछ अरसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको समझ आ रही है जो ये बात कर रहे हैं? कोई नहीं आ रही है सीखी नहीं। क्या असल अरबी बोल रहे हैं क्या? कौन क्या लग रहा है? अरबी है असली। तो आपको समझ में आती है अरबी? मैं इनके साथ मुतरजम होना जी, मैं पैसे मिलन दे आवाज जांदी। अच्छा मैं आपको यमुना एक चीज आज क्लियर कर दूं, वैसे असल अरबी बोल रहे हैं। जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज हम पाकिस्तानी अरबियों के साथ कभी झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तान जुबर वन सुपर स्टार इन पाकिस्तान कराची। मैं बड़े ड्रामे वेखे ने, बड़े मशहूर आदमी।
ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾਇਬ ਮੂਵੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਵਰਕ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਏਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਬਟ ਸ਼ੀ ਮੇਬੀ ਡਸਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਹੀਰੋਸ ਐਕਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ما في مشكلة بسوي دراما بعد نسوي تعامل في الريستورانت كان چلو ٹھیک ہے بھئی ایک بیٹھ کے نا جی ایک کھانے دے اوپر میٹنگ بیٹھ کے کر لیں گے ایگریمنٹ کر لیں گے پیمنٹ شیمنٹ ساری طے کر لیں گے لیکن کھانے دا کہندا ٹائم دیو کسے مطعم وچ مطعم حق جی مطعم کہندا میرا اپنا ہوٹل ہے جم مار لے گا انت سب ایک دم انا سب انتظام ٹھیک ہے جی کہندے سین یہ سوچ لو بھی ہلے خالی مڑیا ہے मोटरसाइकिल चला के आए 20 घंटे कराची तो आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे जी सर की करदा मेरी मजबूरी सी यार ऐसी क्या मजबूरी अपना बड़े साहब जी कॉल आ गया आसफ अली जरदारी आसफ अली जरदारी साहब अच्छा बट साहब दे उत्ते मेनू मैसेज कीता ने व्हाट्सएप पे आओ दे ते मेनू मैसेज कीता ने मेनू कहंदे ने इट इज अर्जेंटली ओके कॉल कीती ते मेनू कहंदे ने दो पिज़्ज़े ते डिलीवर करा दे जी सर मैं क्या सर थले किचन दे विच फोन करो 150 पिज़्ज़ा तैयार करके हुणे तुहाडे सामने पेश कर देणगे कहिंदे ने सारे ते कंपेन ते गए ने ओ मैं कल्ला ही आएगा ओके मैं क्या नो प्रॉब्लम सर 10 मिनट तो बाद बंदा तुहाडे बूहे ते होएगा ठीक है मैंने कहा ने यार 10 मिनट तो घट टाइम कर ओके मैं फिर कीतियां कॉलां डिलीवरी वालेयां नूं कोई चुके ही ना ओए होए रात दे 4 बजे हुण कौन चुके बिल्कुल उसले ते सारे हिसाब कर रहे हुंदे ने हां हां ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਜਾਓ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਕੌਣ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ तो गेट पे वो खुद पिज़्ज़ा लेने आ आप आ गए सारे तो कैंपेन तक गए सन ठीक है वो फिर जब شدید भूख लगी होती आ जाते हैं ठीक है हां जी तो आपने बुआ खड़काया और वो आ गए आ गए मैं उन्होंने पिज़्ज़ा देता है ठीक है ते मैंने कहंदे ने कितने पैसे हैं हां मैं कह जी 2800 ठीक है मैंने कहंदे ने 300 रुपए बकाया दे ठीक है वो मैं 300 रुपए बकाया देता है हां 3000 मैंने दे के ते कहंदे ने हां ठीक है 200 रुपए टिप रख लो मैं क्या सर 300 रुपए ते तुहानू मैं दिता है हाँ। और तुसी मैनू 3000 दिता है हां तुहाडे ते 200 बकाया बणदा सी तुसी 300 ले आए हां कहंदे ने 200 टिप भी तो दी है मैं क्या सर ये केड़ा हिसाब हैगा हां कहंदे ने पुत्र ये मत सोचो मैंने क्या दिया और तुमने क्या लिया हां मैं क्या सर ये अगली हुकूमत 110% ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 10% ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਚੀਕ ਓਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਸ਼ਬਰ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਣਾ ਸੀਮੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹైదరాబాద్ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਮਨਾ ਜ਼ੈਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਇਬ ਯੈਸ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਯੈਸ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਉਸਾਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਜੀ ਇਸ਼ਕ ਜਲੇਬੀ ਯੈਸ ਇਸ਼ਕ ਜਲੇਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਜਲੇਬੀ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਨਵਰ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਰ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਵਰ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦ ਅਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਇਓ ਸੈਦ ਹਾਂ ਯੈਸ 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 ਉਹ
ਹਮਾਇਓ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 6 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਜੇ ਸਰ ਕਦੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਰਨਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛੋ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮਾਨ ਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਨ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਉਸਾਮਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਈ वेलकम बैक टू गप शप उसामा ये बताएं आप ACCA अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के यू आर वर्किंग इन दुबई आई बिलीव इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ा हुआ आपने ठीक है अब आप दोनों अपनी डिग्री से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं हाउ मच वर्थ हैज इट बीन टू चेंज योर फील्ड्स यू गो फर्स्ट नहीं यू गो फर्स्ट अच्छा सो मेरा ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो तभी मुझे पता लग गया था कि यमुना ये तो जो तुम पढ़ रही हो ना ये बहुत मुश्किल है और मैंने पढ़ाई के दरमियान ही एक्टिंग शुरू की तो मुझे लगा कि ये डिग्री पूरी कर लेती हूँ एक तसल्ली के लिए बट करना तो यही है एक्टिंग ठीक है हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वर्थ इट है ठीक है आपने चले डिग्री कंप्लीट की है हाँ, मैंने प्रैक्टिकल करके पढ़ाई हो ही रही थी तो साथ में एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे आपने कर दी आप ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ा चीज छोड़ के चेंज ओवर करके साइड पे लड़कों के लिए ज्यादा करियर का बीइंग अ गाय आपने यू नो एक करियर पाथ चेंज करना बहुत चैलेंजेस होते हैं अच्छा क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपको दिल करता है कि मल्टीपल चीजें कर लें तो मेरे घर वालों ने हमेशा कहा था यार डिग्री कंप्लीट कर लो उसके बाद तुमने जो करना हो कर लेना लेकिन पढ़ लो पहले ताकि जिंदगी में आपके पास ये हो कि हमारे पास कोई ऑप्शन है बिल्कुल फिर मैंने आर्टिकल्स भी किए थे अपने ऑडिट फर्म में और फिर मैं बैंक में भी जॉब कर रहा था लेकिन फिर जब अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि अब कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास पीछे एक्सपीरियंस भी था डिग्री भी थी तो मैंने स्विच करने में मुश्किल तो होती है लाजमी बात है आप अपना पूरा सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं तो लेकिन अब मुझे लगता है और वर्थ इट काशिफ निसार साहब की जो सीरियल करते जिसमें मैं आपका ट्रक ड्राइवर पापा बना उस वक्त आप इतनी सी तो थी तो तानू ये धोखा बड़े क्यों हो गए मैंने तो कौन सी क्लास में पढ़ी थी मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी लेकिन इतनी पुरानी बात नहीं ये था हमारा दूसरी जंगे अजीम के फौरन बाद ही था फौरन बाद तो शूट पे गए थे या वो तो था तन्हा हाँ जी वो था तन्हा पीटीवी पे आया था यस जी कई हजार साल पहले की बात है नहीं हजार साल की तो नहीं है लेकिन मैं पढ़ाई कर रही थी लाइक ग्रेजुएशन के कुछ शुरू के सालों में कुछ शुरू क्योंकि वो मेरा करियर का शुरू का ही प्रोजेक्ट था हाँ जी आप क्या इमेजिन कर रहे थे क्या आपको क्या लग रहा था वो कितने उस वक्त मैंने लगता है चौथी पंजवी जी पढ़ते होना चौथी पंजवी में ग्रेजुएशन कर रही थी आप जहाँ से देख रहे थे वहां से तो हर कोई चौथी पांचवी में लगता है सारे इन्होंने तो कायम अली शाह साहब ने बचपन में देखा हाँ जी हाँ जी मैं मेरे को ट्यूशन भी पढ़ते रहे जैसे आप करोड़ों दिलों की धड़कन है आपके फैंस हैं बहुत ज्यादा तो आपके दिल की धड़कन है कोई दुनिया में मेरा नाम ना लीजिएगा बस आप अम्मी कह सकती हैं नहीं वो तो है ना माँ बाप तो होता ही है तो होता ना तो कोई जिसकी आप भी फैन हो फैन फैन नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ तो फिर फैन क्यों कह रहे हैं अभी तो कोई नहीं है तो अगर हुआ तो कैसा होगा बहुत अच्छा होगा अच्छा मसलन कैसा प्लीज यमुना बहुत अच्छा को क्लेरिफाई कर दीजिए वरना बहुत कंफ्यूजन होनी है क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ही कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं मैं उधर लगाऊंगा तो इसलिए कैसा होना चाहिए
बस बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत अच्छा क्या, मतलब क्या बहुत अच्छा होगा? बस जो वैसे एक अच्छा इंसान हो वो तो होगा इंशाल्लाह। दिल का अच्छा इंसान हो और दिमाग का अच्छा इंसान हो, शार्प इंसान, शार्प हो, अच्छा ना हो, शार्प होना चाहिए। दिल का अच्छा हो, दिमाग का शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए। विजुअल डजंट मैटर ऑफ कोर्स, विजुअल डज मैटर टू माय आईज। ओके, और पूछ ही रहे हैं तो चलें लिस्ट बता ही देते हैं। और अच्छी कंपेनियनशिप हो मेरे साथ, आपके साथ अच्छी कंपेनियनशिप हो, जिसका ऑफ कोर्स पता तभी चलेगा जब कंपेनियनशिप होगी होगी। मगर आपने कहा कि विजुअल जो है वो इट शुड मैटर टू योर आईज, सो व्हाट यूजुअली डज मैटर टू योर आई, इज देयर अ रेफरेंस? नो, देयर इज नॉट अ रेफरेंस लाइक एनीथिंग क्लोज टू अ रेफरेंस। नो, मतलब इतने मुंह मथे फिर रहे हैं आप, मगर कोई एक होता ना तो थोड़ा इस किस्म का कोई, मतलब बाल लंबे छोटे, यू नो, दाढ़ी हो ना हो, क्लीन शेव हो ना हो, आंखें बड़ी छोटी, देखेंगे तो पता चलेगा ना, जब मैं देखूंगी तो पता चलेगा। आपके फेवरेट हीरोज कौन से? फेवरेट हीरोज मुझे टॉम क्रूज बहुत पसंद है। टॉम क्रूज बात खत्म हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से, वो तो बहुत ही गुड लुकिंग है। हां, बट वो हीरो है ना, वो हीरो है, वो लाइक एज अ फैन यानी कि मुझे वो पसंद है। कोई इस किस्म का डायग्राम के करीब तरीन कोई नहीं, नहीं, वो तो बहुत ही गुड लुकिंग है, वो तो सबको क्या हुआ, अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हैं? चलो, तो की जिंदगी भी लगते हैं इंसान के। हां जी, हां जी, अबू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या वो कहंदे तेरा नाम टॉम क्रूज रखया सी असीं, उनका टॉम क्रूज से दिल खराब ना करो। अगर हमें चले एक क्लैरिटी मिल गई कि टॉम क्रूज कोई एक आपने नाम तो लिया ना कि वो आपको लगता है बहुत, देखिए देखिए, टॉम क्रूज बहुत गुड लुकिंग है, वो मुझे एज अ हीरो पसंद है। आपने कहा था हीरो कौन पसंद? अच्छा, है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर वैसे वो हो तो बस मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। ये किस किस्म की, ये मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नहीं नहीं, बस अब ये एक बस एक मैंने एक फाइनल मैंने कहा मैं बता दूं कि टॉम क्रूज तो एज अ हीरो मैंने बताया पसंद है। जी, मतलब गुड लुकिंग आदमी भी है ना वो। हाँ, वो गुड लुकिंग, मगर आपने ये कहा कि मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। हाँ, मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना, आपसे ज्यादा तो पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं, नहीं, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो खत्म ही कर दिए उसने पूरी मार्केट को, इसके बाद आप बैठ जाएंगे घर जाके कि मेरे से ज्यादा तो गुड लुकिंग है ही नहीं। गुड लुक तो ये जो 6-7 अरब दुनिया में लोग फिर रहे हैं ये सब तो फारिग हो गए। अगर नहीं आते, दिस इज अ गुड इनफ आंसर फॉर पीपल हु एवर थिंक अबाउट दिस कि यमुना को कैसी शक्ल पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना हो। बस मुझे अच्छा लगे लेकिन मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग ना। लेकिन रिश्ता इस बात पे रह गया मेरा तो, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा गुड लुकिंग हूं। आपको ज्यादा मजा किन के साथ आया? जो प्रोजेक्ट जिस वक्त चल रहा होता है उसके साथ उसी वक्त अच्छा लग रहा होता है काम, उसके बाद भी अच्छा लगता है, उसके बाद भी अच्छा लगता है। अहमद के साथ तो आई थिंक मैंने कोई 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ हम लोगों ने, और उसामा के साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए, उसामा के साथ अभी और भी करेंगे काम इंशाल्लाह। आपने हर तरह का करेक्टर प्ले किया है, मेरा पर्सनल फेवरेट आपका बख्तावर था। आपको अपना नयाब के अलावा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा ड्रामास में जो आपने किया? साथ ही चलाकी से उन्होंने नयाब को बीच में इंजेक्ट किया, वो तो होगा, वो तो आई एम श्योर होगा। हाँ, नयाब तो खैर है ही बहुत अजीज, और मुझे प्यार के सदके का माजबीन का कैरेक्टर बहुत पसंद है, जावेद शेख साहब, हुमा साहब, और उसके अलावा फवाद खान भी हैं। So, वो अभी यहाँ पे नहीं है, मगर आई थिंक अ वेरी ग्रेट सेट ऑफ एक्टर्स दैट यू हैव विद यू। फवाद खान, मोहम्मद फवाद खान, वन हु इज प्लेइंग माय ब्रदर्स कैरेक्टर, आपके भाई का रोल कर रहे हैं, अक्का का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के फाइनेस्ट एक्टर्स में से उनका शुमार है, और आई वाज लकी कि मैंने उनके साथ काम किया। और आप लोग फिल्म नायाब जब देखने के लिए जाएंगे तो आप लोग उनसे इन लव हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जावेद शेख साहब कैरेक्टर, जावेद सर का भी अमेजिंग काम है, वो तो खैर हर मूवी उनके बगैर जो है वो नामुकम्मल है। हर मूवी दी फुफो ने वो हर मूवी के अब्बू हैं, अब्बू जो लेकिन इस बार डिफरेंट अब्बू है वो यार, वो बहुत, हाँ, इस बार भी कमाल ही किया जावेद सर ने। पोस्टर में अगर जावेद शेख साहब की तस्वीर हो तो लगता है फिल्म है। जी जी, बहुत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ी है, और इस पोस्टर से ठाकुर साहब की तस्वीर हो लगता कार्टून शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालदा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अक्सर कहती हैं कि मैं अपने जो प्ले होता है अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकती या नहीं देखती, तो क्या नायाब जो आपकी फिल्म आ रही है आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाएंगी? नहीं, फैमिली के साथ एज इन मैंने कभी टेलीविजन पे साथ बैठ के अपने आप को टीवी में देखा ही नहीं। क्लेरिफाई कर दीजिए, क्यों नहीं देखती? मेरे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि मैं अपना चेहरा जो है वो सबके साथ बैठ के देखूँ।
टीवी पे आज तक कभी घर में दावतें भी होती हैं तो वो कभी शौक शौक में लगा दें तो मैं उनको ज़रा माजरत कर लेती हूँ कि इसको बंद करते। तो इस बात का मुझे बहुत प्रेशर है कि मैं सबके बीच में बैठ के जब प्रीमियर वगैरह होगा इंशाल्लाह तो बैठ के देखना पड़ेगा सबके साथ। ये तो चोरी चोरी तो देखती हैं ना? मैं मोबाइल में देखती हूँ, आपको टीवी में अकेले में देखते हैं। फैमिली के सामने अजीब सी शायनेस होती है मेरे पे। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा था बाजी, खालदा कोई नहीं ताडे नाल दा जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हैं, तो आपको कोई ऐसा ड्रामा जो बहुत ही अच्छा लगा हो, कहा हो कि बहुत अच्छा है, और कोई ऐसा ड्रामा जो आपने कहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया? सवाल उनका है और उसका दूसरा पार्ट जो उसका जवाब मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अपने ड्रामे किए, बहुत सारे ड्रामे जो मुझे पसंद हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, प्यार के सदके, तेरे बिन, परिजात, ये रहा दिल, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अब तक वो प्रोजेक्ट नहीं किया जो कि मैं उसको करके कहूँ कि यार ये मैंने क्या प्रोजेक्ट कर दिया। तो अभी देखें, लेट्स सी, यानी कि मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, लोगों को लगता होगा कि युमना ने क्या कर दिया, मैं अपने मेरे ही अगर सवाल से फील नहीं हुआ ये। हाँ, मुझे अभी तक ये नहीं हुआ कि यार ये मैंने, अगर मैं दोबारा से दोहराऊँ अपना दिमाग तो ऐसा। हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट टेलीफिल्म में सब अजीज रखती हूँ, स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करते हैं। क्या बात, आपका कोई है ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल है आप कर रहे होते हैं साथ साथ, उस टाइम पे जो बेस्ट होते हैं वो आप कर रहे होते हैं। हाँ, मगर अभी तक आपको भी कोई ऐसा आफ्टर थॉट नहीं आया कि यार ये वाला जो था? आफ्टर थॉट्स इस तरह है कि जब आप कोई काम करते हैं उस टाइम के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है आप वो चूज करते हैं। जैसे ड्रामा बन रहा होता है ना तो मुझे लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये होता है जब ड्रामा बन रहा होता है ना प्रोसेस में, तो मैं बहुत नर्वस और कंफ्यूज हो रही होती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बन के प्रोजेक्ट पूरा लग जाता है तो फिर सही लगता है। तो आजकल आप कंफ्यूज हैं? नहीं, आजकल नहीं हूँ, नायाब के लिए नहीं हूँ। नायाब के लिए मतलब जब बन रहा होता है तो जो आप अभी बना रही हैं उस पे कंफ्यूज हुई कहीं? सच सच बताऊं? हाँ, सच सच। मैं थोड़ा सा हो होती हूं, नेचुरल है, हर प्रोजेक्ट में होती हूं। जो नहीं, आप थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट ब्लेम यू, वैसे ही इतने अहमद भट्ट टाइप लोगों के साथ काम कर रहे हैं बनने का बहुत मुश्किल पेश आता है। बहुत सेट पे हमें अच्छे खाने खिलाते हैं प्रोड्यूसर के पैसों से, प्रोड्यूसर के पैसों से। बेचारा प्रोड्यूसर जो है ना, जितना गौर किया जाए, यमुना ने भी इसकी तस्दीक की है कि वो प्रोड्यूसर के पैसों से आपको अच्छे गाने खिलाते हैं। मैं उन्होंने पूछा केस बेस से फिल्म की थी, कहने रोटी बेस थे। अगर ये देख ले अहमद भट्ट साहब, मैं अकेला ही नहीं हूँ, आपकी ये जो हरकत है ये बहुत से लोग ऑब्जर्व करना शुरू हो गए। जी, कौन क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हीरो और विलन दोनों का रोल प्ले किया है, तो कौन सा रोल प्ले करने में आपने ज्यादा एंजॉय किया? मुझे लगता है विलन के पास ज्यादा मार्जिन होता है और हीरो के पास मार्जिन उस तरह से नहीं होता, लेकिन ऑडियंस उसको ज्यादा पसंद करती है। आपको क्या पसंद है ज्यादा? अब मुझे लगता है हीरो ही ज्यादा अच्छा। हीरो अच्छा? यू डोंट लाइक बीइंग अ विलन? विलन नहीं, मुझे लगता है कि एक तो उस तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं होता विलन, तो मुझे लगता है कि हीरो इज समथिंग आई वांट टू प्ले, दैट यू आर ओके एंड यू हैप्पी। अच्छा, और हीरो के पास मार्जिन भी होना चाहिए, बस वो हीरो वो वाला हीरो ना हो जो कुछ भी ना कर सक रहा हो। बेचारा हीरो। आपने बेचारे हीरो कितने प्ले किए अभी तक? नहीं किया अभी तक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रजाकत है और मेरा सवाल सर उसामा से है कि आपने बहुत से रोल किए हैं और अब तक का कौन सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रोल होगा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जिस टीम के साथ काम करते हैं हर टीम का एक डिफरेंट अप्रोच होती है। तो मैंने इस जिले भी किया था, वो एक स्टोरी थी और हमने 60 दिन में वन गो में शूट किया था सारा, रमज़ान स्पेशल था वो मुझे लगता था कि थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो तो टीम सारी थी, हम रोज़ाना काम कर रहे थे। और एक और ड्रामा था दोबारा, उसमें हदीका कैनी का बेटा बना हुआ था, तो वो एक एंग्री यंग मैन था जो कि बस बोलता रहेगा बगैर सोचते, बोलता है एक बोलेगा बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन्स थी उसमें, तो लगता था कि यार ये नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। तो हाँ, मुश्किल दोबारा भी था और इसलिए भी था, इसलिए भी और दोबारा दोनों थे। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, ये वाला क्वेश्चन मेरा मैम यमुना से है। ये जो आपका ड्रामा तेरे बिना, ये बहुत फेमस हुआ और लोगों ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया, क्या आपके मुताबिक ये जो आपकी फिल्म नायाब है ये भी इतनी फेमस होगी और लोग आपको इतना ही प्यार देंगे? ये तो फिर अल्लाह को पता है, प्रमोट तो हम कर रहे हैं, तो जब हम कोई बेटा चीज बना रहे होते हैं तो उसमें हम अपनी बेहतरीन नीयत शामिल करते हैं और बेहतरीन मेहनत शामिल करते हैं, तो सक्सेस और जो उसका फेलियर है वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलता है। कभी कभार एक्टर बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करता है और उसको लगता है यार ये तो हर बंदे को देखनी चाहिए चीज,
और ऑडियंस उस तरह से उसको नहीं देखती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें लग रहा होता है कि नहीं उस तरह से निकल सकेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, अक्सर ऐसे भी होते हैं। और आपकी ये फिल्म बहुत कामयाब होगी, हमारी दुआ है, क्योंकि दो बुज़ुर्ग दुआएं कर रहे हैं 24 घंटे। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शिजा। बेसिकली ये आप दोनों के लिए एक पोइट्री है। काफ़ी शहरों में हुस्न का जोर रहा, काफ़ी शहरों में हुस्न का जोर रहा, लेकिन दिलकशी में अव्वल मेरा लाहौर रहा। यार मुझे लगा आप डेडिकेट करेंगे। काफी शहरों में हुस्न का जोर रहा, लेकिन दिलकशी में अव्वल मेरा लाहौर रहा। खैर, लाहौर आजकल बहुत सी और चीज़ों में भी नंबर वन चल रहा है, दिलकशी के अलावा कुछ फेफड़ों को ख़राब करने पे, इन चीज़ों के अंदर भी हमारे में बहुत सा क्रेडिट मिला हुआ है। बट थैंक यू सो मच यमुना, थैंक यू सो मच उसामा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म नायाब। 26 जनवरी को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, आप सब लोग देखिएगा ज़रूर। एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्म इन लोगों ने बनाई है, एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक इट। और आप सब लोग भी देखिएगा ज़रूर, फिर बाद में हमें ना कहिएगा कि पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।